हेलो स्टूडेंट्स वेरी गुड मॉर्निंग इन आवर लास्ट लेक्चर वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग फंगाई एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट प्लानोगेमेटिक पॉपुलेशन ठीक है बेटा तो अब हम सेकेंड मेथड की तरफ आते हैं दैट इज गैमिटेंजियल कॉन्टेक्ट कैमिटेंजियल कॉन्टेक्ट से जो रिप्रोडक्शन होता है बेटा वो आपका ऊमाइसिटीज के

जो सेक्स ऑर्गन की फॉर्मेशन होती है वो टू डिफरेंट माइसिलियम पे होती है किस होती है? पे होती है दो डिफरेंट माइसिलियम पे होती है ठीक है इसमें एक्चुअल में होता है क्या एक माइसिलियम के सेक्स ऑर्गन का जो न्यूक्लियस होता है वो दूसरे माइसिलियम में ट्रांसफर हो जाएगा किसकी तरह जैसे कि बैक्टीरिया में कंजुगेशन हो रहा था लेकिन यहां पर क्या होता है सेक्स ऑर्गन की फॉर्मेशन होती है जो माइसीलियम प्लस की तरह बिहेव कर रहा है किसकी तरह बिहेव कर रहा है प्लस की तरह दैट मीन्स मेल की तरह बिहेव कर रहा है मेल क्यों नहीं बोल रही है? हम इनको मैंने पहले बताया कि डिफरेंस जो है वो सिर्फ जेनेटिकल है मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस नहीं है फिजियोलॉजिकल डिफरेंस है जेनेटिक डिफरेंस है लेकिन कैसा डिफरेंस नहीं है मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस नहीं होता है ठीक है तो एक जो मेल की तरह बिहेव करता है उसकी बॉडी में सेक्स ऑर्गन की फॉर्मेशन होती है ठीक है तो इनके केस में मेल सेक्स मेल के अंदर प्लस के अंदर जो सेक्स ऑर्गन होते हैं उनको हमने कहा एंथीरेडियम और माइनस टाइप के माइसिलियम में जो सेक्स ऑर्गन मिलेंगे उनको हम कहेंगे ऊगोनियम इसका मतलब एंथीरेडियम मेल सेक्स ऑर्गन की तरह बिहेव करे और उगोनियम जो है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन की तरह बिहेव कर उसके बाद क्या होता है जो प्लस टाइप का माइसिलियम होता है उसका जो एंथेरिडियम है वो क्या करते हैं दोनों जैसे ही एंथेरिडियम और ओगोनियम पास पास आते हैं एंथेरिडियम एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाएगा क्या बनाएगा कॉन्जुगेशन ट्यूब ठीक है क्यों इसी को हम फर्टिलाइजिंग ट्यूब भी कहते हैं और यही फर्टिलाइजिंग ट्यूब उगोनियम के अंदर एंटर करती है किसमें एंटर करती है उगोनियम फिर क्या होता है बेटा एंथी का जो न्यूक्लियस है वो माइग्रेट कर जाता है किसमें उगोनियम तो देखो सबसे पहले दे क्या हुआ का न्यूक्लियस किसमें चला गया न्यूक्लियसियम में दैट मीन प्लाज्मोगैमी प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन हो रहा है साथ में न्यूक्लियस माइग्रेट कर रहा है प्लाज्मोगैमी वाली कंडीशन आ गई प्लाज्मोगैमी होने के बाद अब क्या होनी है कैरियोगी होनी है क्या होनी है कैरियोगी तो होता क्या है जैसे ही कैरियोगी हो जाएगी क्योंकि एक है प्लस का न्यूक्लियस और एक है माइनस का न्यूक्लियस जैसे ही कैरियोगेमी होती है तो हेप्लोइड स्ट्रक्चर से डिप्लोइड जाइगोट बन जाता है क्या बन जाता है डिप्लोइड जाइगोट इनके केस में जो डिप्लोइड जाइगोट होता है उसको हम कहते हैं ऊसफोर क्या बोलेंगे बेटा ऊसफोर ठीक है फिर इसके अंदर म्योसिस होता है म्यूसिस होगा तो प्लोडी हाफ हो जाएगी और जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे उनको हम बोलेंगे स्पोर तो म्यूसिस से हे स्पोर की फॉर्मेशन हो जाती है और जब ये स्पोर जर्मिनेट करते हैं तो वो एक न्यू माइसिलियम बना लेते हैं यहां पर एक चीज ध्यान रखना जो फ्यूजिंग माइसिलियम है इसमें गैमिटेंजियल पॉपुलेशन और गैमिटेंजियल कॉन्टेक्ट में यही डिफरेंस होता है कि गैमिटेंजियल कॉन्टेक्ट में जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो सिर्फ कॉन्टेक्ट में आते हैं और अपना न्यूक्लियस ट्रांसफर करते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करते हैं प्लस और माइनस टाइप के जो माइसिलियम है वो अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करेंगे तो ये तो था आपका पहला मेथड जबकि ग्रामिटेंजियल कॉपुलेशन में हम पढ़ेंगे कि वो अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देते हैं कैसे वो देखो गैमिटेंजियल पॉपुलेशन जो होता है बेटा ये होता है आपका जाइकोमाइसिटीज के मेंबर में जबकि हमने गैमिटेंजियल कॉन्टेक्ट किसमें बताया बताया ऊमाइसटीज के मेंबर में एक्चुअल में फाइकोमाइसटीज जो क्लास है उसको फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है ओमाइसटीज एंड जाइकोमाइसटीज ठीक है इनके किस में आइडेंटिटी लॉस क्यों होती है क्योंकि इनके केस में पूरा का पूरा माइसिलियम जो है होल माइसिलियम जो है इट स्टार्ट वर्किंग एज सेक्सल स्टार्ट वर्किंग एज सेक्सल दैट मीन्स पूरा का पूरा माइसिलियम गैमिट इंजिया की तरह बिहेव करता है जबकि गैमिटेंजियल कॉन्टेक्ट में क्या था सेपरेट आपकी सेक्सल्स बन रही थी मेल में एंथीरेडिया और फीमेल में उगोनिया लेकिन इनमें क्या है बेटा इनका जो पूरा का पूरा माइसिलियम है वही किसकी तरह बिहेव करता है सेक्सेल की तरह बिहेव करता है गैमिटेंजिया की तरह बिहेव करता है ठीक है गैमिटेंजिया हालांकि गैमिटेंजिया की फॉर्मेशन दो डिफरेंट माइसिलियम के बीच में होगी और क्योंकि इनमें सीनोसाइटिक हाइफे होते हैं तो मल्टी न्यूक्लियेटेड कंडीशन होती है तो इनके गैमेटेंजिया एंजिया का ईच जो होगा वो एक गैमेट की तरह बिहेव करेगा किसकी तरह बिहेव करेगा गैमेट की तरह बिहेव करेगा सबसे पहले क्या होता है ये सिंपल माइसिलियम होते हैं तो सबसे पहले क्या होता है दो डिफरेंट टाइप के जो माइसिलियम है वो गैमिट एंजिया की तरह बिहेव करेगी लेकिन इनका पूरा का पूरा माइसिलियम गैमिट एंजिया की तरह बिहेव करता है तो इस गैमिट एंजिया में जितने भी आए वो एक गैमिट की तरह बिहेव करेंगे एक डोनर होगा और एक रेसिपिय होगा ठीक है इसमें ऐसा नहीं होता है इसमें क्योंकि आ, इनकी आइडेंटिटी लॉस हो जाएगी तो दो गैमिट एंजिया हमारे पास बन गए हैं तो, तो ये गैमिट इंजिया क्या करते हैं सबसे पहले प्रो गैमिट इंजिया की फॉर्मेशन करते हैं किसकी फॉर्मेशन करते हैं जिया और इसके बाद क्या होता है बेटा प्रो के अंदर जो पीछे का डायलेटेड पार्ट होता है जो हाइफे की तरफ होता है इसको तो हम कहते हैं सस्पेंसर और जो आगे का पार्ट जो दो अपोजिट माइसिलियम का आपस में फ्यूज होगा उसको हम कहते हैं सीनो गैमिटेंजियम मतलब गैमिटेंजिया सबसे पहले प्रोगिटेंजियम के फॉर्म में बना और उसके अंदर दो पार्ट से डिफ्रेंशिएट गए पीछे वाला पार्ट जो माइसिलियम की तरफ है वो तो है सस्पेंसर और आगे वाला पार्ट जिसके न्यूक्लियाई का फ्यूजन होना है उसको हम कहेंगे सीनो अब इसमें होता क्या है इस वाले माइसिलियम के भी न्यूक्लियाई है और इसके भी न्यूक्लियाई है दैट मीन प्लाज्मोगी हो चुकी है उसके बाद कैरियोगेमी होगी कैरियोगेमी होगी तो एक डिप्लोइड स्ट्रक्चर बनेगी जिसको हम बोलेंगे जाइगोट या इसी को हम बोल देते हैं जाइको तो ध्यान से देखना अगर मान लो इस माइसीलियम के तीन न्यूक्लियाई आ जाते हैं और इसके दो तो पेयर में फ्यूज होते जो अनपेयर रह जाता है वो डिजेनरेट हो जाता है ये चीज ध्यान रखना तो दोनों के गैमिटेंजिया का जो पार्ट आपस में फ्यूजन करता है वो होता है सीनो गैमिटेंजिया क्या होता है सीनोगिटेजिया तो इनके केस में जैगोस की फॉर्मेशन हो रही है जबकि गैमिटेंजियल कॉन्टेक्ट में ऊसफोर की फॉर्मेशन हो रही थी यहाँ पे मिशसिस हुआ और हैप्लोइड स्पोर बने हेप्लोइड स्पोर जैसे ही जर्मिनेट करेंगे फिर से माइसिलियम बन जाएगा लेकिन यहां पे क्या है क्योंकि सीनो पूरा का पूरा माइसिलियम यूज हो रहा है तो इसके केस में सेक्सुअल प्रोडक्शन की वजह से जो हाइफे होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को क्या कर देते हैं बेटा लॉस्ट कर देते हैं ठीक है अब हमारा नेक्स्ट मेथड आता है दैट इज फर्माटाइजेशन स्पर्मस्टाइजेशन में क्या होता है बेटा जो माइसेलियम मेल की तरह बिहेव करता है वो बहुत सारे नॉन मोटाइल स्पम की प्रोडक्शन करता है जिनको हम कहते हैं स्पर्मेशियम लेकिन ये नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं नॉन मोटाइल होते हैं और जो फीमेल गैमिट होता है उसके पास एक रिसेप्टिव फीमेल जो सेक्स ऑर्गन होता है उसके पास एक रिसेप्टिव हाइफे होता है रिसेप्टिव पार्ट होता है जिसको हम प्राइको कहते हैं तो स्पर्मेशियम जैसे ही ट्राइक के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो ये क्या करते हैं बेटा कैरियोगी करते मतलब प्लाज्मोगी होती है इनके केस में क्योंकि इसको कहां तक जाना है एग तक जाना है तो सबसे पहले प्लाज्मोगी हुई प्लाज्मोगी हुई तो एस्कोमाइसिटीज और और बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर्स में इज नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय कैरियोगी तो एक इंटरमीडिएट स्टेज आ जाती है जिसको हम कहते हैं डाई कैरियोन और उस पर्टिकुलर फेज को हम बोलेंगे डाई कैरियो फेज वो जिस माइसिलियम को बनाता है उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी माइसिलियम फिर क्या होता है सेकेंडरी माइसिलियम जो है वो फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं फिर फ्रूटिंग बॉडी के अंदर जाकर के कैरियोगेमी होता है ये आपसे पूछ सकते हैं कि कैरियोगी कहां होता है और म्यूसिस कहां होता है तो कैरियोगी और म्यूसिस किसके अंदर होगा बेटा फ्रूटिंग बॉडी के केस के में अंदर होगा कैरियोगी हुआ तो जाइगोट बना फिर म्यूसिस हुआ तो क्या बन गए म्योस्फोर बन जाएंगे क्या बन जाएंगे मियोस्फोर ठीक है तो स्पर्मेटाइजेशन से सेक्सुअल रिपोर्डक्शन किस किस में हुआ एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर्स में मेनली जो स्पर्मेटाइजेशन होता है वो रस्टिंग फंगाई के अंदर होता है रस्टिंग फंगाई हम किसको कहते हैं पक्सीनिया को अब लास्ट मेथड आता है आपका सोमैटोगी सोमैटोगी जो होती है बेटा ये भी एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर्स में ही होती है लेकिन ये बाकी मेथड से बिल्कुल अलग है क्यों क्योंकि इसके केस में सेक्स ऑर्गन की फॉर्मेशन नहीं होती है सिंपली क्या होता है दो माइसिलियम पास पास आते हैं उनका प्रोटोप्लाज फ्यूज हो जाता है दैट हो जाती है प्लाज्मी इज नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाई कैरियोगी तो बीच में एक डाई स्टेज आ जाएगी दैट ये क्या बनाएंगे सेकेंडरी माइसिलियम बनाएंगे सोमैटोगी हमें किसमें देखने को मिलती है केस के केस में किसके केस में अगेरिकस मशरूम जो होती है इसमें देखो ये दो प्राइमरी माइसिलियम है दोनों अलग अलग टाइप के हैं एक के दोनों के न्यूक्लियर को हमने इसको डार्क करके दिखाया तो जैसे ही इनके जो माइसिलियम है आपस में फ्यूज हो जाएंगे तो डाई कंडीशन डेवलप हो जाएगी और इससे जो माइसिलियम बनता है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी माइसीलियम तो ये तो थे आपके वेरियस टाइप्स ऑफ रिपोर्डक्शन मेथड सेक्सुअल रिपोर्डक्शन के मैथड अब हम लास्ट पार्ट में आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मंगाई पहले मैं एनसीआरटी का एक बार रिपीट करा देती हूँ फंगाई को हमें इसके क्लासेस में कैटेगराइज करना है बेटा आपके सिलेबस में अप टू क्लासेस क्लासिफिकेशन है तो एनसीआरटी क्या कह रही है थ्री क्राइटेरिया तीन क्राइटेरिया हमारे पास है विच फॉर्म द बेसिस फॉर द डिविजन ऑफ द किंगडम फंगाई इन टू वेरियस क्लासेस और ये तीन क्राइटेरिया कौन कौन से है पहला क्राइटेरिया है मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसिलियम दूसरा क्राइटेरिया है मॉड ऑफ स्पो फॉर्मेशन और तीसरा क्राइटेरिया है फ्रूटिंग बॉडी ये तो एनसीआरटी के अकॉर्डिंग है और एनसीआरटी ने हमें क्या बताया था कि हम चार क्लासेस में डिवाइड करते हैं फाइकोमाइसिटीज एस्कोमाइसिटीज बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटीरोमाइसिटीज अब हम थोड़ा सा डिटेल में ले लेते हैं फंगाई को सबसे पहले हम डिविजन में डिवाइड करेंगे उसके बाद हम क्लासेस बताएंगे तो फंगाई को हम डिविजन्स में डिवाइड कर रहे हैं तो फंगाई को हमने कैटेगराइज किया है तीन डिवीज़न में जिम्नो माइकोटा और यू माइकोटा बेटा ये अर्लियर क्लासिफिकेशन है फिर इसमें जो चेंजेस आए वो भी मैं आपको बता दूंगी तो जिम्नो माइकोटा के जो मेंबर्स हैं, इनको मिक्सो माइकोटा भी कहा जाता है इस डिवीजन को इसके अंदर हम उन फंगाई को रखते हैं जिनके अंदर वॉल की फॉर्मेशन नहीं होती वॉललेस फंगाई को रखा जाता है तो इस कैटेगरी में उस टाइम पे स्लाइम मोल्ड्स को रखा गया था लेकिन अब स्लाइम मोल्ड्स को किससे हटा दिया गया है फंगाई किंगडम से हटा दिया गया है और इनको एक प्रोटेस्टा किंगडम में एक सेपरेट कैटेगरी में रखा गया है दैट तो इज मोल्ड्स प्रोटेस्टा में आप पढ़ते हो डायएटम्स पढ़ते हो डीनोफ्लाजिलेट पढ़ते हो यूक्लीनोइड्स पढ़ते हो तो वैसे ही वहां पर आप एक कैटेगरी पढ़ोगे स्लाइमोल्स, ठीक है तो वो आप कर चुके हो तो वहां पर हमने कहा था कि इनको मिग्जो डिवीजन में रखा गया है तो ये जो मिग्जो डिवीजन डिविजन है इसमें ऐसे फंगाई को रखा गया था जिनके अंदर वॉल प्रेजेंट नहीं थी ठीक थी? है अब जिनके अंदर वॉल प्रेजेंट थी उनको दो डिविजन में रखा गया माइकोटा एंड यू माइकोटा उइकोटा में लोअर फंगाई को रखा गया ठीक है जबकि यू माइकोटा में हायर फंगाई को रखा गया जैसे हमने रखा था बेटा यू बैक्टीरिया तो यू बैक्टीरिया में हमने हायर बैक्टीरिया को रखा था वैसे ही यू मईकोटा क्लास में हायर फंगाई को रखा गया दोनों के अंदर ही सेल्बॉल प्रेजेंट है लेकिन डिफरेंस किस चीज में है उ मई क्लास के जो मेंबर्स है उनका जो माइसीलियम है वो ए सेप्टेट होता है उसमें सेप्टा की फॉर्मेशन नहीं होती है अब इसके अंदर दो क्लासेज हम पढ़ेंगे प्रीवियस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर हम पढ़ें तो फाइकोमाइसिटीज और जेगोमाइसटीज क्लास हम कहते हैं ठीक है कई बुक्स में आपको लिखा मिलेगा कि फाइकोमाइसिटीज को ही हम फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं टीज एंड जैगोमाइसिटीज ठीक है तो हम इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को फॉलो करेंगे क्योंकि एक स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम है तो जिनके अंदर एसेप्टेट माइसिलियम होता है उसमें हमने दो क्लासेस बताई हैं फाइकोमाइसटीज एंड जैकोमाइसिटीज फाइकोस माइसिटीज के जो मेंबर हैं उनको कॉमनली एल्गल फंगाई भी कहा जाता है इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं एल्ब्यूगो जो पैरासिटिक फंगस होता है मस्टर्ड पे फाइटोफ्थोरा इंपॉर्टेंट है और पाइथियम ठीक है इसी तरीके से जैकोमाइस के मेंबर को कॉमनली कंजुगेशन फंगाई भी कहा जाता है हमने पढ़ा कि कंजुगेशन ट्यूब बनाकर के रिप्रोडक्शन करते हैं तो इसलिए इनको कॉमनली कंजुगेशन फंगाई भी कहा जाता है इसके दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आते हैं राइजोपस एंड बुकर। जबकि यूमाइकोटा जो क्लास है उसमें माइसीलियम कैसा था सेप्टेट अब इसको हम फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे किस बेसिस पर कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है मतलब नोन है या नहीं है अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एबसेंट है मतलब या, या एब्सेंट है तो उन मेंबर्स को तो रखा गया कॉमनली कहा जाता है इम परफेक्ट फंगल इसके एग्जाम्पल क्या है अल्टरनेरिया ट्राइकोफाइटन माइक्रोस्पोरम एंड सर्कोस्पोरा और जिन सेप्टेट माइसीलियम वाले जो हायर फंगाई है जिनमें सेल्बोल भी प्रेजेंट है उनमें अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है तो उनको हम किस किस क्लास में रखेंगे एक तो क्लास आपकी आती है एस्कोमाइसिटीज एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स को कॉमनली सैक फंगाई कहा जाता है बेटा कॉमन नेमिंग आप याद रखना फाइकोमाइसिटीज को एल्गल फंगाई कहा जाता है जाइगोमाइसिटीज को कंजुगेशन फंगाई कहा जाता है ड्यूटीरोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंगाई कहा जाता है एस्कोमाइसिटीज को सेक फंगाई कहा जाता है तो जिनमें सेक्सुअल प्रोडक्शन प्रेजेंट है उनमें एक हमने देखा एस्कोमाइसिटीज बेटा एस्कोमाइसिटीज के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर सेप्टा तो है लेकिन उस सेप्टा में सिंपल पोर होता है सिंपल पोर मतलब मैंने क्या कहा था अगर पोर का जो साइज बाहर से दिखाई दे रहा है उतना ही डायमीटर अगर अंदर भी है तो उस पोर को हम कहते हैं सिंपल पोर इसके एग्जाम्पल क्या है इसको मैं एस्कोमाइसोटीज के एस्परजिलस पेनिसिलियम जिससे फर्स्ट आपकी एंटीबायोटिक पेनिसिलिन ऑप्टेन हुई थी न्यूरोस्पोरा जिसका बायोकेमिकल जुनेटिक्स के रिसर्च वर्क में काफी इंपॉर्टेंस रहती है दूसरी क्लास आती है पेसिडियोमाइसोटीज ये कई बार पूछा जाता है बेसिडियोमाइसोटीज के मेंबर्स को हम कॉमनली क्या कहते हैं क्लब फंगाई भी कहते हैं इनके अंदर जो सेप्टा होता है उनमें पोर होते हैं है पोर में क्या होता है बेटा पोर का साइज बाहर से छोटा दिखाई देता है लेकिन अंदर आप आओगे तो डायमीटर ज्यादा हो जाता है तो ये इनके इनका एक यूनिक कैरेक्टर है पोर इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं बाकी पोर कैसा होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में तो एस्कोमाइसिटीज में तो सिंपल पोर होता है बेसिडियो में डोली पोर होता है इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है पक्सीनिया जिसको हम रस्ट फंगाई भी कहते हैं अस्टी जिसको हम स्मट फंगाई भी कहते हैं और अगेरिकस मशरूम कहलाती है तो ये था बेटा आपका सेक्सुअल सॉरी क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई ठीक है नेक्स्ट लेक्चर में हम पर्टिकुलरली क्लासेस के थ्रू स्टार्ट करेंगे उससे पहले एक छोटा सा पार्ट और देख लेना साइज ऑफ द फंगाई स्मॉलेस्ट जो फंगाई है वो इस्ट है। क्यों है क्योंकि यूनिसेलर होता है इसका साइज कितना है थ्री टू तो फिफ्टीन माइक्रोमीटर एंड टू टू तो टू टेन माइक्रोमीटर ये लेंथ होगी और ये क्या होगी ब्रेथ होगी लार्जेस्ट फंगस जो है या ये लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म भी है वो कौन सा है हनी फंगस ठीक है आर्मीलेरिया एरिया ऑस्टो तो ये इन एरिया ऑफ फोर्टीन हंड्रेड एकड़ फोर्टीन हंड्रेड एकड़ में ये स्प्रेड है तो ये लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म भी है तो ये था साइज ऑफ फंगाई के बारे में थैंक यू बेटा